महाराष्ट्र के नासिक में भगवा दुपट्टा पहने द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंची महिलाएं तो बवाल मच गया। कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब चर्चाओं में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के माध्यम से 1990 में कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार को दुनिया के सामने रख दिया है। अधिकतर लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसके चलते ये फिल्म देश भर में बहस और हंगामे का मुद्दा बनी हुई है। एक तरफ फिल्म जहां पर रोजाना कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी फिल्मों को पछाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म से जुड़े कई विवाद सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में जब महाराष्ट्र के नासिक में कुछ महिलाएं इस फिल्म को देखने अलग अंदाज में, तो वहां पर बवाल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक शहर में कुछ महिलाओं का ग्रुप द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए एक थिएटर में पहुंचा, लेकिन महिलाओं ने इस फिल्म को देखने के लिए एक नया अंदाज अपनाया और भगवा रंग का दुपट्टा पहनकर द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए एक थिएटर के अंदर एंट्री ली, जिसके बाद महिलाओं के भगवा दुपट्टा पहनने पर थिएटर के अंदर बवाल मच गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि थिएटर के स्टाफ ने हमें एंट्री करने से पहले ही रोक लिया और भगवा रंग के शॉल को उतारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप इस दुपट्टे को नहीं हटाएंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। इसी बात को लेकर थिएटर के स्टाफ और महिलाओं के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहसबाजी तक पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया। पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे भगवा दुपट्टा पहनी महिलाएं द कश्मीर फाइल्स देखने थिएटर पहुंची थी। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये एक छोटा सा विवाद था जो थोड़ी देर में ही शांत हो गया था। कुछ महिलाओं का ग्रुप उन महिलाओं को द कश्मीर फाइल्स दिखा रहा था जो इस फिल्म को नहीं देख पाए थे, लेकिन उन सब की पहचान के लिए उनके पास कोई बैच नहीं था, तो सबको भगवा रंग का दुपट्टा पहनने के लिए कहा गया था। इसके बाद जब वे थिएटर पहुंची तो सारा विवाद शुरू हो गया। महिलाओं ने बताया कि भगवा पहनने के पीछे उनका कोई मकसद नहीं था। आपको बता दें कि भारत में इस समय हर किसी की में द कश्मीर फाइल्स का नाम चढ़ा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को इस फिल्म के देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस वजह से ये फिल्म रोजाना रिकॉर्ड बना रही है। इसके अलावा कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं। वहीं कुछ सरकारी दफ्तरों में भी इस फिल्म को देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी तक दी गई है। आपका इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।